भाई साहब बिगेस्ट क्लैश एवर के रुझान जो है बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, क्योंकि जनता भाई दिल खोल के पैसा बहा रही है। भाई मुझे लग रहा है कि ना जब ये साल खत्म हो जाएगा लोगों की जेब ढीली हो जाएगी, क्योंकि डंकी और सालार भाई खींच के पैसा ला रहे हैं। मुझे लग रहा है एक ही बंदा दो दो बार बुकिंग कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मूवी भाई बहुत दमदार होने वाली है। दोनों की दोनों सॉलिड एंड फाड़ू रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल डंकी रिलीज हो जानी है 21 दिसंबर को एंड परसों साला रिलीज हो जानी है 22 दिसंबर को, और जो बुकिंग चल रही है भाई तबाही लेवल पर बुकिंग चल रही है। फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई नहीं, कॉपरेट करना, क्योंकि एक एक डिटेल टू डिटेल चीज़ बताने वाला हूँ, कहाँ से कितना फाड़ रेस्पॉन्स मिल रहा है, कौन से स्टेट से, कौन से रीजन से, कौन सी सिटीज से, उसके बाद किस लैंग्वेज में कितना कलेक्शन ये दोनों मूवी कर चुकी हैं। भाई शुरुआत करते हैं, सालार से शुरुआत करेंगे। भाई तेलुगु से फाड़ रेस्पॉन्स मिल रहा है, मिलना भी चाहिए क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है। 8,65,69,000 की एडवांस बुकिंग सिर्फ तेलुगु 2D से हो चुकी है, जिसमें से 3,76,000 टिकट उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज से बेच दिए हैं, लगभग 1,720 उनके खाते में आ चुके हैं। मलयालम 2D से 1,28,76,000 जिसमें से 87,243 टिकट ये लोग बेच चुके हैं मलयालम लैंग्वेज से। तमिल 2D लैंग्वेज की बात करें तो भाई साहब 44,93,000 की बुकिंग यहां से ले ली है तमिल 2D से, जिसमें से 33,179 टिकट ये लोग तमिल लैंग्वेज से बेच चुके हैं। हिंदी 2D की बात करें भाई, हिंदी में उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई डंकी राज कर रहा है, डंकी का डंका भाई हिंदी लैंग्वेज में फाड़ के बज रहा है। सिर्फ हिंदी सिंगल लैंग्वेज, ये इतनी मल्टीपल लैंग्वेज जो साला रिलीज हो रहा है, ये सारी मल्टीपल लैंग्वेज के बराबर सिर्फ हिंदी से कलेक्शन आता दिख रहा है। वो आगे बताऊंगा मैं डंकी में कैसा क्या सिनेरियो है। तो सालार को हिंदी 2D से लगभग रेस्पॉन्स मिल रहा है 1,73,67,000 का, जिसमें से 62,446 टिकट उन्होंने हिंदी लैंग्वेज से बेच दिए हैं। फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा कलेक्शन ये सालार ने हिंदी से कर लिया है। तेलुगु IMAX 2D की बात करें तो भाई साहब 21,25,000 का सॉलिड एडवांस बुकिंग इन्होंने तेलुगु IMAX 2D से ले लिया है। हिंदी IMAX 2D की बात करें तो 76,700 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन हिंदी IMAX 2D से ले लिया है। ऑल इंडिया मतलब टोटल बताऊं तो कितना कलेक्शन इन्होंने ले लिया है एक दिन पहले, क्योंकि परसों मूवी रिलीज हो जाएगी, आज का दिन फुल डे बुकिंग चलनी है और कल को भी फुल डे बुकिंग चलनी है। कल को पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि कल तो डंकी बजने वाली है, तो हो सकता है कल थोड़ा रेस्पॉन्स डाउन देखने को मिले, लेकिन आज फाड़ के रेस्पॉन्स मिलेगा। तो टोटल बुकिंग इन्होंने ले ली है 12,51,00,000 की, ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम एंड हिंदी को मिलाकर भाई सॉलिड रेस्पॉन्स है। और टोटल टिकट उन्होंने बेच दिए हैं सिर्फ इंडिया में 5,69,712 टिकट, और सोच इनके खाते में आ चुके हैं 6,410। सोच कम है, सोच और भी ज़्यादा मिल गए तो भाई बुकिंग और भी जबरदस्त हो जाएगी, उसके बाद कलेक्शन और भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी फुल डे एडवांस बुकिंग चल रही है फर्स्ट डे के लिए, तो ये डे वन की है। सिटीज़ में देख लें भाई साहब कहाँ कहाँ कौन सी सिटीज़ में फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है। भाई बेंगलुरु से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, 3,57,00,000 का सिर्फ बेंगलुरु से हो चुका है, और हैदराबाद से 1,61,00,000 का कलेक्शन हो चुका है, मुंबई से 5,17,000 का हो चुका है। वो मुंबई से इसलिए कम देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई साहब मुंबई में डंकी का डंका बज रहा है, वो भी बताऊंगा मुंबई से डंकी क्या फाड़ के रेस्पॉन्स लेके आ रही है। मैसूरू से मिला है 10,34,000, करीमनगर से 12,74,000, नेल्लौर से 22,80,000, कोची से 26,67,000। भाई कोची से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब साउथ के जो रीजन है, बड़े बड़े रीजन है, वहां से फाड़ के रेस्पॉन्स मिल रहा है। तेलुगु से सबसे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, देन उसके बाद तमिल से अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। त्रिवंद्रम से मिला है 11,38,000 एंड कोझिकोड से मिला है 8,42,000, त्रिशूर से मिला है 9,90,000 का एडवांस कलेक्शन। आज सुबह 6 बजे तक ये कलेक्शन मिल चुका है भाई साहब डे वन पर सालार की ओपनिंग के लिए, मतलब फर्स्ट डे क्या ही ओपनिंग रहने वाली है भाई, फाड़ के ओपनिंग रहने वाली है, क्योंकि सोच अभी और भी मिलने हैं। साउथ में तो भाई साहब पूरा का पूरा सालार का कब्जा रहने वाला है, डंकी का डंका साउथ में उतना नहीं बच पाएगा। सेम हेयर, सालार का डंका इस बार हिंदी रीजन में नहीं बच पाए, क्योंकि हिंदी रीजन में फाड़ के रेस्पॉन्स मिलना है डंकी को। दोस्तों कल डंकी रिलीज हो जानी है, और भाई साहब हिंदी 2D से सिर्फ सिंगल लैंग्वेज से इस मूवी ने एडवांस में कलेक्शन कर लिया है 10,26,00,000। और लैंग्वेज का पता नहीं इन्होंने ओपन करा है नहीं करा है, लेकिन सिर्फ हिंदी का दिखा रहे हैं कि भाई 10,26,00,000 ये सिर्फ हिंदी से कर चुकी है, जबकि सालार ऑल लैंग्वेज को मिलाकर 12,50,000 का कलेक्शन कर रही है।
तो भाई हिंदी में ना डंकी, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी छाने वाली है ये जोड़ी। टोटल टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं 360,564 और खाते में सो जा चुके हैं 12,607। बात करें भाई एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है, आज अभी 6 बजे तक की रिपोर्ट है, आज फुल डे एडवांस बुकिंग चल रही है और ये आंकड़ा जो अभी 10 करोड़ देखने को मिल रहा है, मे बी ये रात तक 20 करोड़ भी देखने को मिल जाएगा, इजीली देखने को मिल जाएगा। स्टेट वाइज के क्या रुझान चल रहे हैं भाई, आंध्र प्रदेश से 16,68,000 की बुकिंग इन्होंने ले ली है, गुजरात में फाड़ रहा है 39,52,000, देन महाराष्ट्र, भाई महाराष्ट्र में तो तबाही चल रही है, 1,81,00,000 का कलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहा है, वेस्ट बंगाल से 1,22,00,000, दिल्ली NCR रीजन से 1,55,00,000, भाई तबाही है, बिल्कुल तबाही है। तो भाई साहब डंकी फर्स्ट डे के लिए अभी सुबह 6 बजे तक, 20 नवंबर सुबह 6 बजे तक सिक्योर कर चुका है अपने खाते में नेट इंडिया से 10,26,00,000, एंड सालार सिक्योर कर चुका है लगभग में लगभग 12.5 करोड़ के आसपास। तो भाई ह्यूज रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो भाई लोगों की ना जेब ढीली होने वाली है भाई साहब, क्योंकि फार की रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई, दोनों मूवी को देखने के लिए लोग इतना उत्सुक हैं, बहुत ज़बरदस्त उत्सुक हैं। पहले 1-on-1 का गेम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही सालार ने अपना ट्रेलर रिलीज़ किया भाई, सालार के ट्रेलर के बाद जो बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि उस टाइम तक डंकी आगे चल रहा था, एंड नाउ सालार आगे निकलने लग रहा है, इसलिए भी निकलने लग रहा है क्योंकि भाई मासी एक्शन मूवी में जो ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहे ना प्रशांत नील भाई, जबरदस्त कि फर्स्ट डे पर क्या ओपनिंग होने वाली है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी नेट इंडिया से इजी टू इजी 40 से 45 करोड़ तो ठोंक के जाने वाली है। एंड सालार भाई, सालार कितना खर्च जाएगी, सालार का भी 55 से 60 करोड़ या फिर 50 करोड़ मिनिमम सेट करके चलते हैं कि डे वन पर परसों तक मूवी 55 या फिर 60 करोड़ ठोक के जाने वाली है। लेकिन डंकी भाई साहब सिंगल लैंग्वेज हिंदी के दम पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कलेक्शन करके जाएगी। आपको क्या लगता है कौन सी मूवी डे वन पर हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली है, क्या दोनों मूवी 100 करोड़ टच कर जाएंगी ओवरसीज के कलेक्शन को मिलाकर? नेक्स्ट वीडियो में ओवरसीज की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।